Oh,
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य गणाञ्जनशलाकय चक्षुणुतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ते चैतन्नामनोऽभीष्टं स्थापितां भूतले स्वयं रूपस्पदं मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीज्योतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यम् एवं श्रीराधाकृष्णपदं च गणललिता श्रीविशाखवितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो सन्नीतिनाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अर्चत्वदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपाशन्तेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापदानय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदीश नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपसर्पकं दत्तावतारं भक्तक्षं नमामि भक्तसुत्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते कृपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तत् कांचनि गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन शरणदाय गौर सुंदर जगत प्रभुपाद के चरण में कटि कटि नमन करते हुए और आप लोग उपस्थित जो भी श्रोता बिंद है उनके भी चरण को मैं प्रणाम करते हुए आप लोग हार्दिक स्वागतम है। और इस कक्षाओं में शरणागति भक्ति विनोद ठाकुर जिनके बारे में आप लोग जिनके पास गुरु परंपरा है, गुरु परंपरा है तो पहले भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तीसरा गुरु कृतदास बाबा जी, उसके बाद भक्ति विनोद
সচ্চিদানন্দ ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর को सप्तम गोस्वामी कहते हैं। सप्तम गोस्वामी कहते हैं जो गौर लीला, गौर लीला भूमि की उद्धार पुनरुद्धार किया, सब स्थान को सही रूप से सही से स्थापित किया और गौरीय संप्रदाय के बारे में बहुत सारे ग्रंथ, 100 ग्रंथों ने लिखा है। आप लोगों को ज्यादा परिश्रम करना कोई जरूरत नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी से पूछा गया था प्रेम कैसे मिलेंगे, बोले दो आना में प्रेम मिलता है, दो आना। एक आना से खरीद लो नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और एक आना से ले लो प्रेम भक्ति चल जी का, बस इसको नित्य पढ़ते रहो, जैसे आचरण करते रहो, आपको प्रेम मिल जाएगा। लेकिन अब वो दुआना था, अभी 2-4 रुपए होगा, अलग से प्रिंट होगा तो 2-4 रुपए होगा, इसमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सभी वेद वेदांतों के सार को संक्षेप करके लिखे हैं। इसी प्रकार इसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी आए हैं, उन्होंने शरणागति के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने गौरीय दर्शन, अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा समझाया। बहुत सरलता से व्यक्ति समझ सकते हैं। तो हम लोग जो हरि भक्ति विलास है इसमें लिखे हुए श्लोक अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्चनम् कल हमने उच्चारण किए हैं, उसी श्लोक को बहुत विस्तार ढंग से कोई पदों के माध्यम से उन्होंने समझाया, इसको अपने ऊपर लेकर उनको समझाया। तो पहला भजन है, शरणागत के पहला भजन है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीव के प्रति दया करके सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तहम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शरण। शरण के लिए तो भगवान बोले, तो शरण कैसे लेनी है, शरणागति क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु आकर प्रैक्टिकल में समझाया। शरणागति आज महाप्रभु अपने आचरण करके समझाया इसी बात, अपने जीवन में उतार के दिखाया। गोस्वामी लोग अपने जीवन में उतार के दिखाया कि कैसे विनम्र होना है, कैसे ये क्या करना है। तो जीव के प्रति दया करके भगवान जब आते हैं, मैं वृंदावन से आए हैं तो एक बैग लेके आए, ज्यादा कुछ ले हमारा जितना सामान लेके आ नहीं पाया हाँ। लेकिन भगवान क्या करते, सब पार्षद पार्षद सब धाम के साथ अवतरित होते हैं, ब्रज में भी हो और जो धाम में भी हो, साकेत में, वो साकेत के साथ चले गए। ठीक है, तो इसी प्रकार सब पार्षद सब जितनी उनके परिकर है, पार्षद है भगवान के धाम में, वही चेन्नई होते हैं, वही सेवा करते हैं, उसे धाम को साथ में लेकर अवते हैं। किस लिए आए, अत्यंत दुर्लभ प्रेम। बोलते हैं भुक्ति मुक्ति दिया प्रेम राखिने लुकाइया, हेनो प्रेम श्री चैतन्य दिलो जथा तथा जगाई माधाई पर्यंत अन्नेर की कथा। तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण भुक्ति दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, भुक्ति देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, प्रेम को छुपा के रखते हैं, देते नहीं है। कृष्ण यदि छूटे भक्त तुरंत तो देख के भाग देते, क्या देता है, भुक्ति देता है, मुक्ति दे देते हैं, भुक्ति मुक्ति दे देकर छूटे। कृष्ण जो छूटे भक्त, भुक्ति मुक्ति दिया,
प्रभु भक्ति नाहीं देना राखे ने लुकाइया। शुद्ध भक्ति अहित की भक्ति नहीं देते हैं, वो छुपा के रखते हैं, है ना प्रेम। तो जो भुक्ति मुक्ति देकर वो छुपा के रखे है चैतन्य महाप्रभु, ऐसे इसी प्रेम को पात्रा पात्र विचारण नहीं, स्थान स्थान जगाई माधाई। मतलब इतने बड़े थर्ड क्लास कैंडिडेट और दुनिया में कोई नहीं बन सकता, कितना भी कोशिश करे, कितना भी पाप करे, कितना भी बेविचार करे, कितना भी डाका डाले, जगाई मदाई जैसे कोई कर नहीं सकता। तो उससे हम लोग सभी फर्स्ट क्लास कैंडिडेट हैं। मतलब ये कहने जगाई माधाई पर्यंत तो अन्य की कथा, मतलब जगाई मदाई जब हो दूसरी लोग की बात क्या है, वो तो ऐसे ही तर जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो अत्यंत दुर्लभ जो प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण दो चार लक लगा के सिक्योरिटी लगा के रखा था महाप्रभु, उसको उजार कर वही कृष्ण आए चैतन्य के रूप में आकर उजार कर दिया, लूटिया खाइया दिया भंडार उजारे, जिसमें लॉग सिक्योरिटी कितनी शासन करके रखे थे उजार कर। उजार करने का मतलब है उसको लव तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया, दीवार तोड़ दिया, केवल पिलर के ऊपर बिल्डिंग खड़ा है, प्रेम प्रेम जिस भंडार में रखा हुआ था पिलर के। जब भी जाओ कभी दिन समय सुबह शाम पत्रा पात्र जो भी जो भंडार मान लो उजार किया भंडार हो, चिड़िया भी आएंगे, गाय भी आएंगे, और जो भी जिसके भी जरूरत है भंडार से सामान लेना, भंडार पड़ा हुआ है कोई भी ले लेगा, इसी पर कोई भेदाभेद विचार नहीं। तो इसी प्रकार अत्यंत तो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए, दान करने के लिए, लेकिन वो प्रेम कैसे मिलेगी? शरणागति हमें क्या जरूरत है? क्या है शरणागति, क्या जरूरत है कि ये षडंग शरणागति जिसके होंगे उसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे। आपको नकली करना है, आप बड़े इंजीनियरिंग पोस्ट, आपको कागज तो पहले होना पड़ेगा ना, बीटेक फर्स्ट क्लास या एमटेक हो तभी तो आपकी इंजीनियरिंग है, तो कहीं पे आपको जॉब मिलेगा। इसी प्रकार ये हमें छह चीज चाहिए, प्रार्थना आप करोगे जाके भगवान श्री कृष्ण के पास, वो देखेगा तुम्हारे पास ये है पेपर, छह छह चीज है तुम्हारे पास, क्या क्या है छह? आज भक्ति विनोद ठाकुर दंड दंडता दंड दंड आत्मनिवेदन गोतृप्त वरण, समर्पण करना है, आत्मनिवेदन कर देना है, बोली महाराज ऐसे आत्मनिवेदन कर दिया, लो तो आपके है, आप मारो रखो जो भी करने करो, आत्मनिर्भर गोत्रप्य वरण। वो काल हम लोग पढ़ रहे थे कि उनका परम स्वामी है, पालक है, पिता है, सब कुछ है, रक्षक है, तो ये गोत्रप्य वरण। अब ये छह चीज को याद करना चाहिए, एक धन्यता है, दूसरा आत्मनिवेदन है, तीसरा क्या है गोत्रुप्त वरण, मतलब कृष्ण ही हमारा स्वामी है, कृष्ण हमारा पति है, कृष्ण हमारा पालक है, कृष्ण हमारा रक्षक है, इसी प्रकार सभी को स्वीकार करना है, ये गोत्रुप्त वरण कहते हैं। अवश्य भगवान हमें रक्षा करेंगे, पालन करिए, विश्वास होना है, तीनों विश्वास होना है कि अवश्य ही रक्षा हमारा कृष्ण करेंगे या पालन करेंगे, और भक्ति की अनुकूल को स्वीकार करना है, प्रतिकूल जो अनुकूल हमारा भक्ति करने के लिए जो अनुकूल है, सुबह सुबह उठना है, सांडे आके ज्यादा से ज्यादा छुट्टी होते आके इधर जप करना है, प्रोग्राम में भाग लेना है, भाई हर दिन नहीं कर पाते, ड्यूटी जाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चे को भेजना है, ठीक है, संडे संडे आकर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर मंगल आरती में या जब क्लास में आकर भागवत कक्षा में भाग लेनी चाहिए सुबह भी। देखिए हम लोग
एक साधारण कार्य के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। एक बच्चे को, बच्चे के लिए माता पिता भी जगना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजना है, उसको ना उठाना है, उसको नाश्ता स्नान करवाना है, जो भी है तो वो नाश्ता बनाना है, फिर भेजना है, फिर इतने साल पढ़ाई करने के बाद फिर नौकरी नहीं। जब व्यर्थों काम के लिए इतना करते हैं, तो महत्वपूर्ण काम के लिए तो हमें, कार्यों के लिए हम तो उस तो मेहनत तो कुछ करना पड़ेगा ना। साधन बिना साधो वस्तु के हो नहीं पाए, कृपा करि कहो रायो पावर हो जो पाए। बोला साधन के बिना साध्य वस्तु कोई नहीं पा सकते हैं। हे रामानंद राय जी, साधन के अलावा साध्य वस्तु कोई नहीं पा सकता है, कृपा करके आप बताइए पाने का उपाय क्या है, तरीका क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा जिसके नजदीक हो जल्दी आ सके तो हमें संडे का दिन सुबह सुबह भी हमें प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। आप लोग देखेंगे जयपुर यदि आप लोग चाहेंगे, गोविंद जी की मंगलारती में कोई सोसाइटी नहीं है, कोई पेशार नहीं है, कोई युगल कुशल प्रभु जैसे कोई कहते भी नहीं है कि आप मंगलारती आइए सांडे कम से कम, कोई बोलने वाला नहीं, लेकिन हजारों लोग आते हैं, 500 600 लोग या 700 800 लोग, हजारों लोग आ जाते हैं बाइक लेकर स्कूटी लेकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से मंगलारती आ जाते हैं, बिना बुलाओ लगाओ है। व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा जब जब हमें छुट्टी मिले तो हमें मंदिर के प्रोग्राम में हमें भाग लेना चाहिए। ये उत्साह, जैसे कल हम बता उत्साह निश्चय, नहीं मैं जाऊंगा भाग लेऊंगा, निश्चय तत्कर्म प्रवर्तन, इसी प्रकार उत्साह निश्चय धरियो। इसी प्रकार जो है ये सिख है शरणागत, शरणागत होना है, प्रभु के चरण में शरणागत, शरणागत तो होना है तो इसलिए सिखाए, शरणागति सिखाते हैं जो भक्त के प्राण है, भक्त के प्राण है। मान लीजिए बॉडी है, बॉडी की वैल्यू तब है, बॉडी की वैल्यू जब तो उसके प्राण है, तो भक्तों की वैल्यू तब है जब ये सेव वस्तु उसमें है। भगवत सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण, यही भक्त की जान है, ये सेव चीज नहीं है तो मान लीजिए भक्तो है जान ही नहीं है। हरे कृष्णा, तो भक्तेरो प्राण सिखाए शरणागति भक्तेरो प्राण, क्या है ये शरणागति? दंडता, आत्मनिवेदन, गोतृप्त वर्णनम, अवश्य भगवान हमें रक्षा करेंगे या पालन करेंगे, इसमें विश्वास होना। श्रद्धा, सब श्रद्धा का मतलब ही है विश्वास, श्रद्धा शब्द विश्वास करे, सुधीर निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत, कम से कम इस बात में तो आपको पहले विश्वास करना है। आधा काम तो यही बन जाएगा कि विश्वास ये करने से मुझे हो जाएगा, और अब बहुत मेहनत करोगे, विश्वास नहीं है काम बनने वाला नहीं है। तो विश्वास कर लेना सुदीर निश्चय, श्रद्धा शब्द तो विश्वास को दीरो सुदीर निश्चय करते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से सभी कर्म कृत हो जाएगा। अलग से कर्म करना कोई जरूरत नहीं है, भैया आप तो उनके आदमी हो, उनके आदमी हो, हर कोई डरेगा, कोई भी विभाग जो है अलग अलग विभाग बना के रखा है, कोई नहीं सबके हाथ जोड़ देगा, ये तो उनका है। इसी प्रकार दन्नता,
आत्मनिवेदन गतृप्त वरण, अवश्य भगवान हमें रक्षा करेंगे। भक्ति अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना है, भक्ति की प्रतिकूल कार्यों को वर्जन करना है। आप से में से बताइए, से शरणागति के सेब जो है, से प्रकार की सब प्रकार एक बताइए। हाँ एक और धन्यता और गतृप्त वर्णम और विनम्र और एचार हो गए, और वो जो प्रतिकूल जो है भक्ति की प्रतिकूल है उसको त्याग देना है और अनुकूल को स्वीकार कर। इससे और विश्वास, अवश्य भगवान हमें रक्षा करेंगे या पालन करेंगे इसको विश्वास। इससे तो दन्नता के बारे में बहुत, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि रूप सनातन पदे दंत तीर्ण, रूप और सनातन की चरण कमले दांत में तिनका दबा के गिरते हैं, चरण दोनों चरण पकड़ के गिर जाते हैं और रो रो के बोलते हैं हमें, मैं तो अधोम हूं, आप शरणागति मुझे सिखाइए और मुझे उत्तम कीजिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जब एक बार सन्यास के बाद में बंगाल आए थे, बंगाल से जब रिटर्न गए जगन्नाथपुरी जाकर सारे जगन्नाथपुरी के भक्तों के बीच में अपना अनुभव बता रहे थे। दुई भाई भक्त रास कृष्ण कृपा पात्र व्यवहारे सुनु सुनी पुन राज पात्र विद्या बुद्धि भक्ति बले परमा प्रवेण तबु आपना के माने तीन हित तार भक्ति देखी सुनी पसन भी धरे আমি তুষ্ট হইয়া তবে বলিল দুহারে উত্তম হইয়া হীন করি মানুষ আপনারে অচিরাতে কৃষ্ণ তোমারে করিবে অঙ্গীকারে। মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরী মে ভক্ত কে পাশ কে যা রতে দুই ভাই, দোনো ভাই ভক্ত মে রাজা হ্যায়, দুই ভক্ত রাজ और विद्या बुद्धि दुई भाई भक्तराज, भक्तों में राजा है, राज व्यवहार में कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, राजा की बहुत बड़े उच्च अधिकारी है, मंत्री प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री है, व्यवहार राज भाई राज राजा की बात है, सुनिपुण व्यवहार में सुनिपुण, विद्या विद्या में बहुत बड़े विद्वान है, विद्या बुद्धि बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, विद्या बुद्धि भक्ति वाले भक्ति भी बहुत तेज है, परम महाप्रभु की भाषा में परम प्रवीण है, प्रवीण नहीं है, महाप्रभु की भाषा में परम प्रवीण, फिर भी क्या अपना के, लेकिन है ऐसे गुणवान, फिर भी अपना को क्या मानते हैं, तीनों से भी नीच मानते, उनकी भक्ति को देखकर पाषाण पिघल जाते हैं, मैं खुश हो गया। महाप्रभु ऐसे भक्ति कीजिए कि चैतन्य महाव कृष्ण या राधा रानी खुश हो जाए, हरे कृष्ण। तो बोला मैं तुष्ट हो गया, उसको उनकी इस भाव को, क्योंकि ऐसे महाप्रभु ऐसे मशीन है, उनसे झूठ कपट नहीं चलेगा, रूप सनातन जो कहा पास्ट में अपने हृदय से कहा, ऐसे नहीं कोई कोई लोग है अंदर में तो दूसरी भाव है लेकिन ऊपर ऊपर बोल देते, लेकिन महाप्रभु के पास तो ऐसे चलेगा नहीं, स्वयं भगवान है। तो महाप्रभु इनकी साक्षात वास्तविक विनम्रता को देखकर महाप्रभु बोला खुश हो गए हूं, मैं तुष्ट हो गए, मैं उनको दोनों को कहा उत्तम होकर अपने बहुत उत्तम हो, भक्तियों में
विनम्रता में आप इतनी उत्तम हो, हीन कोई मानू आपको नारे, फिर भी आप आपको हीन करके मान रहे हो। अचिरात कृष्ण आपको उद्धार करेंगे। ऐसे नहीं कि हमें गण्यता है बल्कि हमें गुणवान नहीं होना है, गुणवान होना है फिर भी विनम्र रहना है। गुणवान तो बनना है फिर विनम्र भी होना है। यही मान लीजिए कोई वृक्ष है, जब फल लगते हैं अपने आप सूख जाते हैं, जिसमें फल नहीं है एकदम सीधा रहता है, तो हमारा इसी भक्ति की फल है तो हम विनम्र बन जाएंगे अपने आप। और महाप्रभु जी ने सिखाए, तृणादपि सुनिचेना तरुरीव सहिष्णा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा, कीर्तनिया सदा हरि। देखो उत्तम हया वैष्णव हवे तृण समा दुई प्रकार सहिष्णु करे वृक्ष समूह, वृक्ष जन काटिले किछु ना बोलाए, सुखाया मूले तब जल ना मगे, जेई मागे तारे दाए अपन दान, धर्म दृष्टि सहे करे आने रो रक्त, एई मत होया जेई कृष्ण नाम लाए, श्री कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजाए। इसी प्रकार क्या है, महापुरुष कहते हैं कि तृणा होते ही नहिया सदा लवे नाम, आपोनी निरहो मानी अन्य देवे मान, वृक्ष को काटेंगे कुछ नहीं कहेगा, दुर्जन किसी ने बोला सूख है फिर सूख जाएगा, पानी नहीं मांगेगा, भैया हमें तो पानी दे दो, कुछ नहीं। धर्म ये बहुत वृष्टि बाप वर्षा है, वर्षा के नीचे, वर्षा के समय भी वृक्ष के नीचे लोग जाते हैं, वो धूप तेज धूप है उसमें भी छाया लेने के लिए जाते हैं, घर में वृष्टि सहे कर आने रखते। तो वैष्णव ऐसे बहुत उत्तम होंगे, उत्तम होकर अभी निरोभिमान अभिमान निरोभिमान होकर सदा कृष्ण नाम लेंगे, उत्तम हुए वैष्णव हमें निरोभिमान जीवे संबंध में कृष्णेर अधिष्ठान, हर जीव में सम्मान देना है, क्यों कृष्ण के अधिष्ठान है, हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराज करते हैं। ऐसे आपकी दृष्टि हो जाएगा तो कोई भी जीव को आप हीन दृष्टि से नहीं देखेंगे, कृष्ण अधिष्ठान हर किसी के हृदय में भगवान से कृष्ण। हम लोग क्या है बाहरी चोला को देखते रहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिन सुनिश्चन शपथ चा पंडित सम, इनके अंदर जो आत्माएं है परमात्मा है, ये तो कोई आला कोई मनुष्य में अच्छा क्वालिटी के है, पशु में निम्न क्वालिटी के, ऐसे तो है नहीं, ये केवल कर्म की चोला है, जैसे कर्म किया ऐसे चोला मिला, ये केवल कर्म शरीर है। जीवे सम्मान देवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, तो इसी प्रकार होकर हम कृष्ण नाम लेंगे, दुई प्रकार सहिष्णु करे वृक्ष, वृक्ष को काट काट और काट दो कुछ नहीं बोलने वाला, सूख रहा है कुछ नहीं बोलना, और जो मांगे अपने फल दे देते हैं, फल भी है फूल भी है पत्ते भी है, जो भी लेना है ले लो, आप लकड़ी के बारे में सोचते रहो, तो जब तक जीवित था आपको फल दिया पत्ता दिया फूल दिए, सूखने के बाद लकड़ी आपको काट के लेके आए अपने फर्नीचर बनाया, पानी इसके बाद भी समाप्त तो नहीं हुआ, आपको भोजन बनाने की लकड़ी देंगे, लकड़ी के बाद भी समाप्त तो नहीं हुआ, बर्तन धोने के लिए राख, अभी तो नहीं धोते हैं
पहले इसी राख से ही बर्तन धोते थे। तो तब तक जब तक अस्तित्व है, चला के भी है तो भी सेवा करते जाए। तो हमें थोड़ा विचार करना, हमें भी कुछ ऐसे उपकार करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम उतना ना हो, कुछ ना कुछ तो हेल्प करना चाहिए। दया भाव होना चाहिए दूसरे के प्रति, दया दृष्टि। ऐसे प्रकार जो है ये दंडता की ए मतो वैष्णव कार्य किचु ना मागिवे अजाची दिवित्ते के नवा शाखा फल खावे सदा नाम लावे जाता लावे ते संतोष ए मतो आचार कुरी भक्ति धर्म पोषे शाक फल इसी प्रकार वो कहते हैं यही मत वैष्णव कर किचु ना मांगे वे अजाचित वित्ती। तो ये जो विरक्ति वैष्णव है गृहस्थ वैष्णव के लिए बात नहीं है कि अजाचित मतलब बिना मांगे यदि मिल गया तो खा लेना, नहीं तो शाक पत्ते खा लेना। कहते हैं जो विरक्ति वैष्णव है तो एकदम कुछ नहीं है, निराश्रय है, भगवान के भरोसा में है, ऐसे वैष्णव गृहस्थ वैष्णव के लिए नहीं बताया कि आपके धन दौलत है फिर जाके मांग, नहीं। उसके लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार बातें होती है। अजाचे वित्ती बिना मांगे जो मिले उसको लेना है, और साग जो भी मिले, साग फल जो भी मिले उससे खा लेना। सदा नाम लभ्यता, हमेशा नाम लेना है, जो भी मिले उससे खुश रहना है। आश्रम वासियों भी आश्रम में जो मिले इसमें खुश रहने का एक विचार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दोष उस व्यक्ति को दिया जाए, नहीं। महाप्रभु हमें सिखाते हैं, महाप्रभु सिखाते हैं, बोला सुना तो नरे मुख कृष्ण जामा रे सिखाइला ताहा विघ्न कोरी बन पते लोई आ जाइला कृपार समुद्र दीनहीन दया माय कृष्ण कृपा बिना कोनो सुख नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसे इन्हें इसने हमने इन्हें हमें कुछ बताया नहीं। महाप्रभु कहते क्या कहते हैं, जब महाप्रभु बंगाल होकर वृंदावन जा रहे थे सनातन जी मना किया था, प्रभु आपके साथ लाखों लोग है, वृंदावन जाने का तरीका ये नहीं है। तो महाप्रभु जी सनातन की दोष नहीं दिया, महाप्रभु जी क्या कहते हैं, सनातन के मुख से कृष्ण ने मुझे मना किया। तो ये मैनेजमेंट भी सीखना है महाप्रभु की व्यवहार से, केवल सुनना नहीं है, व्यावहारिक शिक्षा क्या है। महाप्रभु हम इसको दोष नहीं, अपने ऐसे बताया नहीं, महाप्रभु ऐसे नहीं सिखाते हैं। सनातन मुख कृष्ण हमारे सिखाईला, सनातन के मुख से कृष्ण मुझे मना किया है, ये दोष वो उनका नहीं है, कृष्ण भगवान की इच्छा है ऐसे, ये शिक्षा है। इसी प्रकार हमें देखना चाहिए। इसी प्रकार विनम्रता बनना है। हरिदास ठाकुर से जब महाप्रभु कहा कि आप मेरा स्तुति करो, बोला प्रभु मैं क्या आपकी स्तुति करूं, मुझे कोई देख लेता तो उसको पाप लगता है, मुझे कोई स्पर्श कर ले तो उसको स्नान करना पड़ते हैं, देखिले पातक प्रभु पड़ोशीले स्नान आमी की कोरी प्रभु तोमार गुण गान। प्रभु मुझे कोई देखते है तो उसको पाप लगता है, मुझे कोई स्पर्श करते है उसको स्नान करना पड़ता है, तो मैं क्या आपकी गुण गा सकता हूं। लेकिन इतनी शक्तिशाली वैष्णव है जिनको इच्छा मात्र से अपने प्राण को त्याग दिया, आपको नाग बन करके ये बन करके ये कर कुंडली जागृत करके यहां से नहीं, आप केवल हरे कृष्ण हम जप,
आपने यहां से प्राण त्याग किया। बोले हाँ जाए महाप्रभु, लगता हम प्राण तक ना, दूसरे दिन प्राण तक कर। एक तो प्लान प्लान से योजनाबद्ध होकर अपने प्राण छोड़ा। इतनी बड़ी तू अपने भजन में इतनी अपने प्राणों को कंट्रोल करके रखा है पूरा, जब निकालना है तब निकाल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं कि प्रभु मुझे देखने से पाप लगता है और मुझे कोई स्पर्श करते हैं तो स्नान करना पड़ता है। भक्त तुमी मोयो भक्त अवश्य पूरा भी प्रभु मोरो यही योयास। तो आज काल प्राण छोड़ने वाले हैं, आज तक आपने आपको वैष्णव बोलने के लिए उनके चरम आती है, वो कहते प्रभु आप तो भक्त वत्सल, मैं भक्त तो नहीं हूं, मैं भक्तों का आभास हूं, आज भी तक मैं एक वैष्णव नहीं बन पाया, मैं भक्तों का आभास। आभास क्या है, भक्त तो बनने ही वाले हैं, पूरा लक्षण प्रकट हो गया। जैसे सुबह सुबह आभास हो गया कि अभी सूर्य उदय होने वाला है, उसकी पूर्वावस्था, उदय सूर्य उदय होने के जो पूर्वावस्था उसको बोलते हैं आभास। तो बोले मैं आप भक्त वत्सल हो लेकिन प्रभु मैं तो भक्त नहीं हूं, मैं भक्तों का आभास, लेकिन अवश्य मेरा इच्छा। इसी प्रकार भक्त की विनम्रता है, इसी प्रकार भक्तों विनम्र विनम्र होते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पुरुषेर कीट होइते मुहिषे लोगिष्टो, जगाई मादाई होइते मुहिषे पापिष्टो, मोर नाम लय लय जे तार पुण्य खय, मोर नाम सुनि जे तार पाप हय, এমন নির্বিঘ্ন মোরে কে বা কৃপা করে, এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে। और एक विनम्र की मूर्ति कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मल के कीड़े के जैसे उससे भी लघिष्ठ हूं, मैं सबसे जरा पापी, महापुरुष के समय से माना जाता है जगाई मदाई, बोलता है उससे भी मैं पापी जाता, कोई पाप नहीं किया है, कोई ये नहीं है, लेकिन विनम्र तो इतनी ज्यादा है, इतने विनम्र है। तो उन्होंने कहते हैं कि जगाई मदाई इसमें पापी ज्यादा हूं, सबसे ज्यादा पापी मैं हूं, यदि मेरे नाम को कोई सुन लेते हैं तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है, मेरा नाम कोई लेते हैं तो उसका पाप होगा। तो ऐसे विनम्र, वास्तव में ऐसे केवल दंडता नहीं, ऐसे भक्त लोगों में था विनम्रता, ऐसे विनम्रता भक्तों में था। तो इस चीज के बाद आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन सब कुछ भगवान के चरण कमल में अर्पित कर देना है, सब कुछ। मानस देह गेहो जो की चुमारो, और पिलो तू आप दे नंदो किशोरो। तो इसी प्रकार जो है हमें आत्मनिवेदन करना, सब कुछ भगवान के चरण में निवेदन करना है। मानस देहो, मन से मानस देहो गेहो, हमारा शरीर हमारा गृह जो कि चुमो, जितना मेरा कुछ है सब कुछ आपके चरण कमल में अर्पित कर दिया। तो
इसी बात को सुनकर बड़ डर होगा मन में, सब निवेदन कर दो तो क्या होगा, हालत खराब। नहीं, जरूरत नहीं है कि इस्कॉन के नाम में लिखवा दे, ऐसे है अपने रखिए, लेकिन ये समझिए कि जो संपत्ति है इसकी मालिक भगवान है, कृष्ण है, आपका ही संपत्ति है, मेरा नहीं है। ये भी इसी भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मैं तो आपका दास होकर, इसको पालक रक्षक होकर आपका संपत्ति मैं रक्षा कर रहा हूँ, संपत्ति मेरी नहीं है, आपका ही संपत्ति है, इसको मैं रक्षा कर। इसी प्रकार आत्मनिवेदन, तो बोलते इसी से प्रकार की शरणागति जिसको भी होगा उसकी प्रार्थना भगवान सुनेंगे। ये षडंग वाला से अंग वाला शरणागति जिसकी होंगे उसकी प्रार्थना श्री नंद कुमार भगवान सुनेंगे। आप जो बोलोगे तो उसी बात को मानेंगे, उसको सुनेंगे, इसके पहले आप जाके बोलोगे मानेंगे। तो ये कैसे आएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते रूप सनातन के चरण कमल में दंत में तीर्ण दबाकर, भक्ति विनोद दो चरण पकड़ लिया और रो रो कर बताया कि आप मुझे शरणागति सिखाकर उत्तम बनाइए। तो इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दन्न दन्नात्मक से को अलग अलग किया, इसमें कोई पद उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे पद लिखे हैं, तो आदो तत्रादो दन्न आत्मक निवेदन। तो कब भगवान के शरण में जाते हैं, जब व्यक्ति कष्ट के अनुभव करते कष्ट होते हैं तभी वो भगवान के चरण शरण में जाता है। कैसे जी फांसा हुआ होते हैं इसके बारे में बहुत सुंदर से एक एक बात को बताते हैं। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना व्यथा, तुम्हारो चरणे आमी बोली वो दुखेर कथा, बोला तुमको मैं भूल गया, मैं संसार में आ गया। जब आप कृष्ण को भूलोगे तब आपको सोए जैसे सोया, नए नए दुनिया में खुज गए, यही दुनिया में खुज गए। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना प्रकार की तकलीफें हमने सहन करना पड़ेगा पड़ा, तुम्हार फिर आपके चरण कमल में आ गया और अच्छी अच्छी आमी मैं अपनी दुख की बात आपको निवेदन करूं। तो वो बताते हैं जन होनी जट छोरे चेला मजर विषम बंधो पासे आगवार प्रभु देख दिया मोरे, ये दिनों भावी नो जन पाया भजन तब जन्म हईलो पड़िया माया जले ना हईलो ज्ञान लव। तो बोलते मैं माता के गर्भ में जब थे तब सिलम तो विषम बंदे बंदे स्थिति में मैं था, उल्टा लटका हुआ था, आपने प्रभु एक बार दे मुझे दर्शन दिया और देकर मुझे वंचित कर दिया, ये दीन दास के प्रति। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं हर जीव को नहीं होते प्रभु की दर्शन, भगवान जीव सुकृतिवान जीव है उसको प्रभु की दर्शन होते हैं, मातृगर्भ हर जीव को नहीं होता, जो सुकृतिवान जीव है पुण्यात्मा है उसको ठाकुर जी के दर्शन गर्भ में।
और तब वो कहते हैं कि प्रभु इस बार और कान पकड़ और गलती नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी माया इतनी तगड़ी है, माया की लगन रशी, तो एक बार अपने दर्शन देके वंचित कर दिया। तब भाविनो, तब जब आपने दर्शन दिया प्रभु, जन्म जब मेरा जन्म होगा आपको भजन करूंगा, मैं ऐसे और समय नहीं गवाऊंगा, मेरा जन्म हो गया और माया जाल में फंसा हूं और उसे ज्ञान मेरा धीरे धीरे लुप्त तो हो गया। आदोरे छेले सजो नेरे कोले आशिया कटाइनु का जनक जननी स्नेहते भुलिया संसार लागिलो भालो। तो जब तब मैंने सोचा था जन्म जब होगा पूरी आपके भजन करूंगा, जन्म हो गया माया के जाल में और ज्ञान में। तो आदोरेर छिले धीरे धीरे बेटा ये बोलो ये देखो ऐसे इधर देखो, बस ऐसे करते करते छोजोनेर कोले अपने जितने लोग हैं इनके गोदों को एक एक के गोदी से दूसरे गोदी जाते जाते हाशिया हास हास के बेटा हाँ तो देखो देखो बेटा देखो, बार बार इसके पीछे पड़ जाएगा भूलेगा नहीं। ये इसके गोद से उसके गोद, उसके गोद से इसके गोद जाते ही रहे, बेटा इधर देखो हाँ तो यही से करते करते हाशिया काटाई नौकाल वो हास हास के अपना समय व्यतीत कर दिया। और जननी सनो का अर्जुन ने पितर माता के स्नेह से सब कुछ भूल गया और संसार मुझे अच्छा लगने लगा। कुड़मे कुड़मे दिने बालों को हुआ खेली ले बालों को समय, फिर थोड़े बड़े हो गया 3 दिन में तो दूसरा साथी बालक दूसरा बालक बच्चे के साथ खेलने लगा। और किसी दिने फिर ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद विद्या पढ़ने के लिए चले गए। आजकल तो 3 साल से ना 2 साल से ना 3 साल से भेज देते, 3 साल से 3 साल से भेजने लगा ना अभी बच्चे को, 3 साल से कितने साल से 3 साल से बच्चे को भेजना शुरू हो गया। अब ये भी है कि माता पिता परेशान भी करते हैं बच्चे, बस कम से कम बहुत सारे बच्चे मिलते हैं खेलने देने में अच्छे हैं, कुछ तो लिखेंगे लकीर लकीर लगते खींचते रहेंगे, कैसे न कैसे सूखेंगे, बच्चे मित्र से मिलेंगे। इसी प्रकार पाठ पढ़ियो विद्यार गौरवे भूमि देशे देशे धन उपार्जन करी, तो विद्या की गौरव से अपने अपने डिग्री प्राप्त कर लिया, फिर भी नकली नहीं है आजकल, उसी समय तो नकली मिलता था भक्तिविनोद ठाकुर के समय, वो भक्तिविनोद ठाकुर के समय भारतीय जज केवल दो चार जज था भारतीय और सब अंग्रेज तो उसके बाद विद्या के गौरव से धन उपार्जन करने के लिए टाइम कहा है, टाइम कहा है धन उपार्जन करने इधर उधर भागने लगा। स्वजन स्वजन पालन करी एक मने भूलिया तुम्हारे हरी, तो अपने स्वजन लोगों को पालन करने लगा एक मन से और प्रभु आपको मैं भूल, तो कब याद आती है प्रभु को बार्धक्य एखन भक्ति बिनोद तादिया कतर ज्योति ना बजिया तोरे दिनो बृथगल एखन की हवे गति। तो बोलते हैं कि अभी ऐसे करते करते समय बीत गया और बार्धक्य वृद्धों की ओर मैं चल दिया भक्ति विनोद, तो रो रो कर बोलते हैं ऐसे ही समय बीत जाते, भले ब्रह्मचारी हो भले गृहस्थ हो कोई भी हो माताएं हो, ऐसे कभी मत सोचना कि आज करेंगे काल करेंगे, नहीं आप भी जो भी सीरियसनेस लाना है आप भी लाना है, वो हमारे आचार्य थे प्रख को धर्म न भागवत निहान, जब से पता चला तब से शुरू कर दो, ऐसे टालम टुलम मत करते रहो, शुरू करो अभी से। हरे कृष्ण।
इसी प्रकार वो बोलते हैं अभी हमारा बार्धक्य तो आ गया, रो रो कर तब भजन नहीं होगी। आप पहले से शुरू नहीं करोगे, बार्धक्य में होना बहुत मुश्किल है, उसी पुराने आदत को बदलना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ना भजिया तोरे दिन वृथा गलो, आपका भजन नहीं किया हूं मेरा दिन वृथा चला गया, एखन की हवि गति, अभी शरणागति हो गया, दन्नता भी ये कर रहे हैं कि अभी मेरी गति क्या होगी, मैं क्या करूंगा, अभी मैं तो अभी भजन नहीं कर पा रहा हूं, आपने समय तो मैं ऐसे ऐसे व्यतीत कर दिया, मैं बोला था आपको तो प्रभु भजन करूंगा लेकिन मैंने। আমারও জীবন সদা পাপের রত, নাহি পুণ্যের লেশ, পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবেরূপ ক্লেশ, নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ধরি, দয়াহীন স্বার্থ পর, পরে পরে সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাষী, পর দুঃখ সুখ অশেষ কামনা ইদ মাঝে মার, প্রধিদম্ব পরায় মদ মত্ত সতা, বিষয় বিষমে মোহিত হিংসা গর্ব বিভূষণ, নিদ্রালস হত সুকার্য বিরত, অকার্য যুজ্জে আমি প্রতিষ্ঠার লাগিয়া, চট্টাচারণ লোভ হত সদকামি, এহেন দুর্জন সজ্জন বর্জিত, অপরাধী নিরন্তর শুভ কার্য শূন্য সদানার্থ মন, নানা দুঃখে জর জর বার্ধক্য, এখনো উপায় বিহীন তাতে দিন কিন চান, ভক্তি বিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा जीवन सदा ही पाप में रत है, ना ही पुण्य के लेश मात्र पुण्य मेरा नहीं है, और रे उद्वेग दूसरे को इतना तकलीफ दिया है, दिया थी कतो क्लेश, दिया थी जे कतो, दूसरे को उद्वेग इतनी तकलीफ दिया है, दिया थी जीवेरे क्लेश, बहुत क्लेश पहुंचाया, कोई ठिकाना नहीं है कितने जीवों को, निज सुख लगे अपने खुशी के लिए, अपने सुख के लिए मैं पाप से भी नहीं डरता था, पाप से डरता नहीं, अपने सुख के लिए क्या होगा परिणाम कोई नहीं सोचता है, पापे नहीं डोरी, दयाहीन मैं, दयाहीन हूं मैं, स्वार्थों पर हूं, और क्या है मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, क्या है वो दूसरा जब सुखी होता है मैं दुखी होता हूं, आज सदा मिथ्यावासी, बड़ो दुखे सुखी, बड़ो सुखे दुखी, सदा मिथ्यावासी, बड़ो दुखे सुख का, आप लोग देखे ऐसे व्यक्ति को देखे हैं ना, स्वयं में है दूसरे, एक्चुअली वास्तव में ऐसे कि भाई भाई में भी ऐसे होता है, और जब बहुत सुखी रहेगा अपना दुख होगा, बहुत दुख होगा, उसके घर इतने अच्छा होगा, मेरा अच्छा खोटा बट दुख तुरंत होने लगेगा, भाई भाई में होते रहेगा कि एक वो अच्छा गाड़ी खरीदा, मेरा गाड़ी पुराना है कुछ नहीं है, क्या करो। तीसरे प्रकार सदा मिथ्यावासी,
सारा झूठ बोलता हूँ, बातों बातों में झूठ। और बड़ो दुखे, हाँ सब दुखी हुआ, अरे पाप किया था, तो मैं बताया सुना नहीं, पाप किया था। जब पड़े दूसरा जो दुखी होगा, हम बहुत आदमी। इसी प्रकार जो एक व्यक्ति के हृदय की बात है, भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी उसी चीज को देख देख कर लिखा है। बोला अशेष कामना, मेरे हृदय में इतनी कामना है, इतना इच्छाएं है, हिद माजे मोर क्रोधो दम्भ परायण, क्रोधी हूं मैं, दम्भ दम्भ अहंकार परायण हूं, मदमत्त तो सदा हम अहंकार में मत्त है, विषय मोहित हो, और विषय के द्वारा मैं मोहित हूँ, हिंसा और गर्भ में विभूषण, यही मेरा भूषण है, यही मेरा अलंकार है, आभूषण है। क्या है? हिंसा करना, गर्व करना, दूसरा की देखकर हिंसा करना है, और कोई भी छोटे छोटे कार्य के लिए अपने को बहुत गर्व, अपने साथी को ऊंचा कर देना है। निद्रालय सो तो मैं निद्रा और आलसी के कारण मैं हतो खत्म हो गया, सुखद जो गिरा तो अच्छा कार्यो, समय नहीं मिलता है, अच्छा कार्य करने के लिए समय नहीं मिलता है, सुखद जो गिरा तो यही तो समस्या है, अच्छे कार्य के लिए समय ही नहीं मिलता है। आप और प्रभुपा जी भी इसको जब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रभुपा दिल्ली में जाते थे, प्रभुपा जी इस बात को अनुभव किया था कि टाइम नहीं, नो टाइम, समय की समस्या है भैया, उनको समय निकाल के दे, क्योंकि सुकार्य विरा तो दुष्कार्य विरा तो है, वो तो कैसे उसमें लगा हुआ है, तो कैसे उसको टाइम मिलेगा। अकार्य उद्योगी आमी निद्रालस हतो सुकार्य विरतो, क्यों सुकार्य विरत, क्यों अकार्य उद्योगी आमी, जो कार्य नहीं करना चाहिए इस कार्य करने के लिए हम उद्योगी, हमें उत्साह है इसे करने के लिए, इच्छा है प्रतिष्ठा के लागे, प्रतिष्ठा के लिए छठो आचरण, झूठा आचरण करते हैं, हमें कैसी भी प्रतिष्ठा हमें मिलता है। लोभो हतो सदा कामी, लोभ के द्वारा तो मैं हत हो गया, सदा हम कामी हैं, सदा इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, उसे हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा है, और लोभ में इतनी लोभी होते हैं मनुष्य। जब बोली महाराज के बोली महाराज बामन जैसे बोला है कि तुम छोटा सा बामन हो और तुम्हारा छोटा छोटा डग है, कितना भूमि तुम लोगे, बोले देखो बोली जो संतुष्ट होने वाला है 3 डग में संतुष्ट हो जाएगा, और जो खुश नहीं होने वाला है वो त्रिभुवन मिलने से भी खुशी नहीं होने वाला है, इसके प्रमाण तुम स्वयं हो, तुम्हारे राज्य में कोई कमी तो है नहीं, लेकिन तुम्हारा इच्छा की तो कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार हर किसी की इच्छा है, एक भक्त तो बोल रहे थे हमारे इच्छा की यदि प्रिंट आउट निकाला जाए तो हम देख के चकित हो जाएंगे, क्या क्या इच्छा है, क्या क्या प्लान बनाते रहते हैं, जो हमें करोड़ों जन्मों में भी करना संभव है, ऐसे ऐसे अपने में तो कभी हीन समझते ही नहीं है, कम बुद्धिमान कम ऐसे तो समझते ही नहीं है, इतनी कुछ योजना बना लेते हैं मन मन में, कोई ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार प्रतिष्ठा के लिए छठो आचरण करते हैं, लोभी लोभ में हतो हो गया, और सदा हम कामी हैं, एहनो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर, ऐसे प्रकार दुर्जन मैं हूं, इसलिए ये कहने का मतलब है भैया अपने और झुक अपने और झांक के देखो क्या क्या है, एक एक निकाल के फेंको, अपने और झांक लो, दूसरे की ओर देखने से पहले अपनी ओर देखो, उसमें तो हमें फायदा नहीं है, अपने ओर झुकेंगे अपने ओर को देखेंगे ढूंढेंगे इससे कुछ कूड़ा करकट निकाल के फेंकेंगे तभी हमें अपना सुख मिलेगा। इसी प्रकार बोलते हैं अपराधी सज्जन वर्जित, सज्जन के साथ तो मिलते ही नहीं है, ये नहीं सभी धोखाबाज के साथ मिलते हैं, अपराधी निरंतर,
নিরন্তর অপরাধ করতে রাত, শুভ কার্য শূন্য সদানর্থমন, তো আছে কার্য কে লিয়ে শূন্য, উসমে ঢুন্ডা যায় তো জিরো হ্যায়। সদা মন মে অনার্থ ভরা, অনার্থ কি বারে মে সোচতে হ্যায়, নানা দুঃখ জড় জড়, ইসি প্রকার নানা দুঃখ সে হম আছে সে আপনি আপকো ঢুঁড়তে রহু তো জর্জরিত হো গয়া। ऐसे किया बहुत कुछ करने के बाद सब कुछ धोखा धारी झूठ झूठ चवट कपाट करके धान इकट्ठा किया, अच्छे घर बना दिया, वृद्ध हो गया, पिताजी को रख दिया कहाँ पे, वृद्ध आश्रम, उधर रहो। ये बूढ़ा है, खांसते रहता है दिन भर, कोई काम नहीं है, टोकते रहता है, चलो भेज देते हैं। यही हुआ क्योंकि সজ্জন বর্জিত এক ভি আছে কার্য মে নাই নি, শুভ কার্য শূন্য, উসমে ঢুঁড়নে কি উস গোডাউন মে শুভ কার্য কে কার্য গোডাউন মে ঢুঁড়নে কুছ নেই মিলা, নানা দুঃখে জর জর, ইসলিয়ে নানা দুঃখ সে কেউ আচ্ছা কার্য হমনে কিয়া নেই, আচ্ছে সোচা নেই, নানা দুঃখে জর জর, বার্ধক্য এখন উপায় বিহীন, আবি মাই বৃদ্ধ হো গয়া, উপায় বিহীন, আপনি কুছ করনে কা করনে কা ধরনে কা নেই, আবি তো মুঝে এক হেল্প করনে কে লিয়ে চাহিয়ে, উঠাও বেঠাও কে গির যাও কে হো যায় কোই ঠিকানা নেই, বার্ধক্য যে কোন উপায় বিহীন, তাতে দিন আকিঞ্চন, ইসলিয়ে দিন আকিঞ্চন, ভক্তি বিনোদ প্রভুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে চরণ মে প্রার্থনা করতে, মহাপ্রভু কে চরণ মে প্রার্থনা কর, করো দুঃখে দুঃখে নিবেদন করতে, ইসি প্রকার চো হ্যায় ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। দন্যতা আত্ম বহু সারে প্রশ্ন উনি করতে হ্যায়, আট নয় আট তক লিখে আট কবিতায় হ্যায়, তো ইসকে বাদ উনি আত্মনিবেদন কে বারে মে, আত্মনিবেদন কে বারে মে বলতে হ্যায়, ছ মিনিট আর করে, আনে মে দের জানে মে জলদি, তো মানস দেহ গেহ যো কিছু মন ওর পিলো তো নন্দ কিশোর সম্পদে বিপদে জীবনে মারানে দায় মাম গেল উপদ মারি যে ইচ্ছা তোহার নিত্য দাস পতি অধিকার জন্মাই মোহে ইচ্ছা যদি তোর পাকত গৃহে জন্ম হয় কীট জন্ম যথা তুয়াদাচ বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে জন্মে নাহিয়া মুক্তি মুক্তি স্পৃহা বিহীন দেবাত লোভিতে তাহার সঙ্গ অনুর জনক জাননি দয়িত তনয়
सर्वमा भगवती तो पहले द्वंद्व है, दूसरा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, मेरा मन, मेरा देहो, मेरा गृहो, जो कुछ जो भी कुछ है, मैं आपके चरण में अर्पित कर दिया। हे नंद किशोर, हे नंद महाराज के बेटा नंद किशोर, संपद में अच्छे मैं रहूं, विपद में रहूं, जीवन में या मरण में, जीवन में दाय मामा गेला दुआ ओ पद, तो मैं सब कुछ आपको चरण में मैं अर्पित कर दिया। मैं अच्छे रहूं, मैं विपद में रहूं, मैं जीवन मेरा जीवन में मेरा मरने के समय भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। दाय मामो मेरा इस समय उस पद को वरण करने में गया है। तुम मुझे मारोगे, मारी भी राखी भी जो इच्छा हुआ, मैं तो आत्मसमर्पण कर दिया। जब आप आत्मसमर्पण कर दिया, आपके हाथ में कुछ नहीं, आपने तो उनको अपने बागडोर उनके हाथ पे दे दिया, तो उसको मारेगा रखेगा आपका क्या है। दिखा कल शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही कले कृष्ण तारे परे आत्मसम। तो सनातन गोस्वामी जब आपने अब मन में उनके शरीर में कुंडू हो गया, रस रक्त तो गिरने लगा, तो उन्होंने विचार किया कि सनातन गोस्वामी जब झारखंड के मार्ग से आ रहे थे, इसी समय झारखंड जलदर्शे उपवास होते गात्रे कोंडू होइलो रस परे खाओ जाइते, निर्वेद होइया पथे करण विचार, नीचो जाति देहो मोरो यतन तो यसर, जगन्नाथे गेले तार दर्शन नाही पाइबो, প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব, জগন্নাথের সেবক হয়ে ফেরে কার্য অনুরোধে, তার স্পর্শ হইলে মোর হবে অপরাধে, জগন্নাথের রথযাত্রা হইবে বাহে, তার রথের চাকায় ছাড়ি মহেশ্বরীর, মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ, রথে দেহ ছাড়ি মুই ভালো পরম পুরুষার। তো সনাতন গোস্বামী কি ঝাড়খণ্ড কি জল কি দোষ সে আর উপবাস হতে খানা পিনা মে নেই মিলা, ঝাড়খণ্ড কি জঙ্গল সে ওর জঙ্গল 500 সাল পহলে ওর জঙ্গল থা, উসি জঙ্গল সে যাব ঝাড়খণ্ড সে সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন সে উড়িষ্যা জগন্নাথপুরী পৌঁছ রহে থে, तो उसी जल के दोष गड्ढे में जल पत्ता सड़ा हुआ मच्छर है, उसी जल पे पानी मिला नहीं पीने के लिए, उसे पी लिया और स्नान किया और खाना नहीं मिला, तो इसी दोष से शरीर में कंडू हो गया, घा हो गया, खुजाते खुजाते घा हो गया, खून गिरने लगा, पीव हो गया, तो ऐसे वह निर्वेद होकर विचार करने लगे, एक तो मैं नीच जाती हूँ अत्यंत तो असर, या और दूसरी बात है जगन्नाथ जी गले तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, मैं मुस्लिम की नकली किया था, मुझे अलाउ नहीं करेगा, महाप्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सुना महाप्रभु मंदिर के निकट रहते हैं, मैं मंदिर के निकट नहीं जा सकते, जगन्नाथ जी के सेवक घूमते रहते हैं, तो निर्वेद मैं क्या करूं, ऐसे तो मेरा शरीर की स्थिति है, तो मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जब रथ यात्रा होगा उसी समय महाप्रभु आगे नित्य करेंगे, रथ में जगन्नाथ जी विराजमान रहेंगे, उसी पहिया के नीचे हम प्राण विसर्जन। तो महाप्रभु जी आए, आने के बाद कोई बात नहीं, एक दिन आके तुरंत महाप्रभु सनातन देह तगे कृष्ण जदि पाई कोटि देह खने तबे छाड़ी दे पा रहा है,
ত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, কৃষ্ণ পাই ভজনে, কৃষ্ণ প্রাপ্তি উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে। ভক্তি বিনে কৃষ্ণ প্রভু নহে প্রেমোদয়, প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হইতে। তবে ইসি প্রকার মহাপ্রভু কো সমঝায়া, সমঝানে কে বাদ বোলে মহাপ্রভু মেরা মরণ বিচার সহন নেই কর পাতে। তো বোলা মাই এসে নিজ হু, নিজ বিচার বালা ব্যক্তি মোরে লিয়া ইয়ে তোমার কি বা হবে লাভ? পামর পামর জাতি মে পামর স্বভাব, মরেলে জিয়াইলে তোমার কি বা হবে লাভ? প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন, তুমি মরে করিয়া আছো আত্মসমর্পণ। তো বলতে হ্যাঁ প্রভুজি কহতে হ্যাঁ, সনাতন জি কহতে পামর মাই